बिल्कुल इंशाल्लाह इनका इंशाल्लाह सफर बहुत अच्छा सा गुजरे, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो जरूर इनके लिए बेहतरी लेकर आएगा, और ये हमारी दुआ भी है। और इंशाल्लाह आप इन्हें यूं ही अस्सा खेलता कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे, क्योंकि वो मैं कहता हूँ ना कि आर्टिस्ट एक ऐसे फूल की मानंद होता है, आर्टिस्ट एक ऐसे फूल की मानंद होता है जो कि कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है, जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा यार, म्यूजिक से आपको शगफ है, जी बहुत ज्यादा। टेम्पो कैसे मेंटेन करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर? आपको पता है कि टेम्पो से ही आरजे जाना जाता है, तो कैसे कैसे आप अपने म्यूजिक की सिलेक्शन कैसे करती म्यूजिक की हैं? सिलेक्शन इस तरह की जाती है, पहले तो लिसनर्स को भी देखा जाता है। मैं थोड़ा सा लिसनर्स को भी देखती हूँ कि लिसनर्स क्या सुनना चाहते हैं। मतलब कुछ हमारे लिसनर्स बहुत ही उदास सॉन्ग सुनना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सैड होते हैं। सैड होते हैं तो आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। आप ड्राइव करते हैं, बहुत से हमारे लिसनर्स ड्राइव कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा म्यूजिक ऐसा सुनना चाहते हैं जिसमें उनको जाहिर है उनकी ड्राइविंग भी अच्छी हो जाए। सैड सुनेंगे तो वो बहुत ही सुस्त हो जाएंगे। तो उसमें मैं यही कहूंगी कि जब हम प्लेलिस्ट बनाते हैं तो हम कुछ ऐसे टेम्पो भी डाल देते हैं, कुछ सॉफ्ट हो गया, कुछ ऐसे टेम्पो हो जाते हैं, टेक्नो हो गया, कुछ क्लासिक हो गया, मतलब ठीक है, सब जो है लेकिन जिससे। आप कोई बहुत ही सीरियस नोट पे या बड़े एक अच्छे मूड के साथ कोई अच्छी सी बात कर रहे हो और एक लिसनर आकर कहे जी जरा अताउल्लाह का जी ये गाना मेरे साथ बजाना, होता है, हमेशा आपके साथ भी होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अताउल्लाह की आवाज या ठीक, आप हम बहुत अच्छे सिंगर हैं जी हमारे, जी ऐसी लेकिन बात नहीं है, वो कभी लेकिन डेफिनेटली वो ये कहते हैं ना कि एक टेम्पो होता है एक, उसमें आप अगर आप अब इंग्लिश प्ले करें उसमें अताउल्ला ईसा खेलवी को बीच में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कर बिल्कुल ऐसे सकते ही, हैं हम। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सर फारूक बात कर रहा हूँ सर, क्या है सर? अल्लाह का शुक्र है फारूक साहब, आप मेरे हमनाम हैं। सर अच्छा, ये जो जो बाजी भी बोल रही है ना, ये तीन मानो इसकी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली है, इतनी अच्छी बातें इसने की है ना कि बहुत ज्यादा। इसी ठीक बाजी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी, सवाल जरूर करें जरूर, जी। थैंक यू सो मच। मेरी बहन, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में बड़े कुछ हासिल किए, जिंदगी में इम्तिहान बड़े बड़े पास किए मैंने, लेकिन जी लोग मुझे मायूस करते हैं, ये आप अपनी मेहनत से हुए कैसे हुए हैं, लोग बड़ा डिग्रेड करते हैं मुझे, लोगों को लेकिन काम अपनी है डिग्रेड मेहनत करना। से मैं होता हूँ कसम से। जी अभी मैंने एक एग्जाम पास किया है ना, जी तो जी वो कहते हैं कि आप अपनी मेहनत के साथ पास नहीं हुए, ये हुआ वो हुआ, इसलिए बाजी ने थोड़ी सी बात बताइएगा कि उन लोगों को क्या कहना चाहिए। ठीक है, और ये मुझे बाजी प्लीज सवाल बता मैं जाए आपको एक जवाब। बात बताऊं, एक कान से सुने और दूसरे से बाहर निकाल दें, फिर ही आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि जी बाजी, लोग जो मैं तो है करता रहता हूँ। थैंक बिल्कुल ऐसे ही क्यों करें, यही फॉर्मूला अपनाएं आप हमेशा के यू लिए। बाजी, को जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए तो चंद असूल भी बता देना। ठीक है, थैंक जी जरूर, यू। थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ जी। तो ये जैसे कह रहे थे कि जी लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, अगर आप, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं भी शुरू में बहुत ज्यादा ये कह देगा, ये वो कह देगा, फिर क्या होगा, तो मैं बहुत ज्यादा सोचती सबसे थी बड़ा इस है हवाले रोग, से क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे। तो आप एक कान से डालें, दूसरे से बाहर निकालें, अपने दिल की सुने, थोड़ा दिमाग भी बीच में शामिल कर लें, तो जो आपका दिल कहता है वो हमेशा सही ही कहता है। ठीक है, जाहिर, जो दिल कहता है, आपका दिल चाहता है तो आप कहते हैं, जो आपका दिल कहता है और आपको आपकी उस बात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता तो आप वो बिल्कुल जरूर ठीक, करें काम। बिल्कुल ठीक है। और इस चीज का भी आप जरूर, वो जैसे हया ने कहा कि दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस चीज को भी आपने मेक श्योर करना है। अच्छा जी, मिसेस नदीम हमारे साथ हैं, और शी इज वाइफ ऑफ आवर चीफ इंजीनियर जी जो कि हमारे रामा गोपाल यूनिवर्सिटी के हैं। वो कहती हैं जी माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है, हया खान थैंक एक यू, आलमा है, बहुत उनको आपको सलाम भी कह रही हैं, वालेकुम और कह रही हैं जी अस्सलाम, बहुत अच्छे आरजे हैं फरुख आदमी जो उनको ले आए। सो थैंक यू सो थैंक मच भाभी, आप सुन रही हैं, यू सो आपका बहुत बहुत मच। शुक्रिया हमें देखने के लिए, और मेरे साथ मौजूद है इंशाल्लाह, कुछ सवाल आप करना चाहें तो आप पूछ भी सकती हैं जी जी। तो देख लें हमारे सुनने वाले आपको लाइक करते हैं, और ये तो एक खूबी है एक अच्छे आरजे की। अच्छा, म्यूजिक की हम बात कर रहे थे, सिलेक्शन की बात कर रहे थे, तो वो एक एक होता है कि टेम्पो कई दफा कंप्रोमाइज हो जाता है, या लोग अचानक से बिल्कुल बातों के कर दौरान। अच्छा, कभी देते हैं। स्पॉन्सर प्रोग्राम हो रहा होता है, या जी आप जी किसी नौयत पे होते हैं कि आपने बड़ी सीरियस बात करनी होती है, या फिर आप कॉलर को इन्वाइट कर लेते हैं कि जी अब हम बड़ी सीरियस नोट पे बात करें, और वो आकर किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर देता है, या मैं गाना गाना चाहता हूँ, अब तो इस बात ऐसे। को छोड़ें, ऐसे होता है, गाना चल रहा है, कॉलर आया है, मेरे मेरे कजन की डेथ हो गई है, और इस तरह
मैं अब गाना चल रहा है, मैं गेम शो चला रही हूँ और मेरे कजन की डेथ हो गई है और उसके लिए दुआ करें, ये हो गया ये हो गया, साथ ही गाना पीछे क्या खामोशी, अब क्या करूँ आगे, अब वो चला गया, अच्छा चले दुआ भी कर ली, अब आगे क्या करूँ, गाना चलाऊंगी कितनी बुरी बात लगेगी, डेथ हो गई है, आपका फैन था वो, अब मैं गाना कैसे चलाऊं, फिर मुझे फिर उसको फिर हमें फिर उसको भी मेंटेन करना है, फिर सॉफ्ट से ही हम आगे फिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और ये कहते हैं ना कि द मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, और फिर हमारे लिसनर ये भी कहते हैं कि आप गाने प्ले कर रहे हैं, आपका फैन चला गया है, आपका फैन इस दुनिया में नहीं रहा, और आउट ऑफ 100% 99% झूठ होता है। सही बात है, वो कहते हैं ना प्रोग्राम को ना नीचे करने के लिए, वो एक नाथ का जुमला है ना कि यहाँ संभल के चलना, यहाँ पे मंजिल है कदम कदम पर, तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये भी एक ऐसा ही एक सफर है जहाँ पर आपको हर कदम फूक फूक रखना पड़ता है, नेवर नो कि कौन सा लम्हा जो है वो आपके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग बन जाए और आप दूर चले जाए। सगीर खान साहब जी हमें ज्वाइन करती हैं, आपको कहते हैं जी बसाजे, थैंक यू सो मच। मियां इमरान कहते हैं जी लशपश, ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें इस वक्त देख भी रहे हैं, हमारे पेज पे भी रिएक्ट कर रहे हैं, आप भी रिएक्ट कर सकते हैं और हमें जरूर बता सकते हैं, अपनी फीडबैक सका कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल का जरिए मौजूद है। एक अदर ट्रैक और ट्रैक के बाद वापस आते हैं, आज हम जरा टाइम से थोड़ी तजावज कर गए और हमारे पास हाफ एन आवर मोर है जो कि हमने सिर्फ फैया खान के लिए डेडिकेट किया, और मैं बताऊं कि जब से मैं यहाँ हूँ दिस इज द फर्स्ट मोमेंट कि मुझे आधा घंटा और मिला। अच्छा, सो मैं सिर्फ इनकी देर से आने की वजह से, और थैंक फॉर लाला कि जिन्होंने ये हमें अलाउ किया, और थोड़ी देर में वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड विद 91.6।